जय बजरंगबली मित्रों, आने वाला 5 दिन आपके राशि पर भयंकर लाभ लेकर आ चुका है। ये सिंह राशि वाले लोगों को 5 दिनों के अंदर भयंकर लाभ होकर रहेगा, लेकिन एक सावधानी बरत लेना। जो बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं, इन बातों को ध्यान से सुन लेना, गौर से अपने जीवन में लगा लेना और फिर अजमा लेना स्वयं बालाजी सरकार की शक्तियों को, माता लक्ष्मी का पावर को। लेकिन आप लोग गलती मत करना, स्टाम्प पेपर पर चाहे लिख कर रख लेना, 5 दिनों के अंदर ये 5 भयंकर लाभ होंगे और सिंह राशि वाले व्यक्तियों को होंगे। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, जो अभी तक परेशान थे अपने जीवन में, सफलता नहीं पा रहे थे, आप अपने करियर में बहुत मेहनत कर डाला लेकिन अभी तक आप सफलता नहीं पाया, लेकिन मित्रों आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आने वाले 5 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा भयंकर लाभ लाकर देंगे। लेकिन जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इन बातों पर आप लोगों को ध्यान देना है, बातों को समझना है, आखिर कैसे आप लोगों को लाभ होगा। और मैं यह भी गारंटी के साथ कहता हूं, लाभ अवश्य होगा, 5 दिनों के अंदर बहुत भयंकर लाभ होगा। आप जो सपने अभी तक पूरे नहीं कर पाए हैं और मेहनत कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन सफलता मिलेगी अवश्य। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट जो मैं कर रहा हूं, इन चीजों को आप समझिए। अगर आप ज्योतिष शास्त्र को समझते हैं, ज्योतिष शास्त्र पर अगर विश्वास करते हैं, और अगर आप विश्वास नहीं करते हैं और अजमाना चाहते हैं, तो हमारी बातों को ध्यान से सुनना। आप लोगों को जो बातें हम बता रहे हैं, जिन चीजों के बारे में आपको अवेयर कर रहे हैं, इन चीजों को आपको समझना है। एक एक बात सिर्फ आपको सुन लेना है और फिर देखना आने वाले 5 दिन आप लोगों को कैसे भयंकर लाभ देते हैं, आपके राशि पर कैसे चमत्कार होता है। आज आप लोग स्वयं बालाजी की शक्तियों को आप स्वयं आज आपको पता चलने वाला है कि बालाजी की शक्तियां कितनी पावरफुल हैं। आपके जीवन के संकट 5 दिनों के अंदर ही आपके सारे संकट खत्म हो जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो मित्रों मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं, 5 दिनों के अंदर 5 भयंकर लाभ होकर रहेंगे, आपको होंगे, आप लोग स्वयं अपने आंखों से देखेंगे। लेकिन आपको जो मैंने नियम बताया है, बातों को हमारे ध्यान से सुनना, शब्दों पर गौर करना और वीडियो को काट पीट कर मत देखना, संपूर्ण देख लेना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, स्टाम्प पेपर पर चाहे लिख लो, 5 दिनों के अंदर भयंकर लाभ होगा। लेकिन मित्रों आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं ज्योतिष शास्त्र पर और वो अजमाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र को, बालाजी की शक्तियों को अजमाना चाहते हैं, और वो लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे थे, उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो बहुत ही परेशान हो चुके हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि 5 दिनों के अंदर कैसे लाभ होगा। तो उन लोगों को आज हम खुला चैलेंज देकर कहते हैं, 5 दिनों के अंदर आपके राशि पर आप स्वयं अपने घर पर लाभ देखेंगे, अपने आंखों से देखेंगे, आप स्वयं अपने जीवन के संकटों को खत्म करके पाएंगे। इसीलिए मित्रों एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी, जय बालाजी सरकार अवश्य लिखिएगा, एक बार लिख कर देखिएगा। आज आप लोगों को
दो देवताओं का आपके ऊपर सपोर्ट मिलेगा, माता लक्ष्मी और स्वयं बालाजी सरकार। अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा था वो भी आज छुटकारा पाएंगे। और अगर आप लोग अपने जीवन में माता लक्ष्मी से वंचित रह गए थे, आपके घर पर रुपए पैसों की दिक्कत रहती थी, वो भी आज आप लोगों को मिलने वाला है। आपके जीवन के संकट संपूर्ण खत्म होंगे। इसीलिए अब आप लोगों को बातों को हमारे गौर से सुनना। अब जो हम आपको बातें बताने जा रहा हूं उन बातों पर आप ध्यान देना, बिल्कुल शांत दिमाग से सुनना, अकेले सुनना, किसी को भी आपको ये बातें नहीं बताना है। फिर देखना मित्रों, आने वाला 5 दिन आप लोगों को कैसे लाभ देता है और ये 5 दिन आपके राशि पर बहुत भयंकर लाभ देकर जाएंगे। लाभ होगा अवश्य। अगर आप देखना चाहते हैं, अजमाना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार सच्चे दिल से बहुत ही भक्ति भाव से देख लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 5 दिनों के अंदर आपके राशि पर भयंकर लाभ होकर रहेगा। इसीलिए मित्रों अब आप लोगों को वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मित्रों आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप लोगों को आज से ही एक गलती सुधार लेना है। वो गलती है आप अपने वाड़ी पर थोड़ा सा संयम रखें, अपने से बड़ों का थोड़ा कहना माने, क्योंकि आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं, आप शेर की तरह होते हैं, ये सबको पता है। जिसकी राशि सिंह हो वो जो है व्यक्ति किसी के अंडर में रहकर, किसी के दबाव में रहकर काम करना पसंद नहीं करता है। आप हालांकि किसी के अंडर में रहकर किसी की आप लोग आवाज तेजी सुनना पसंद नहीं करते हैं। तेज आवाज में अगर आपसे कोई काम कराना चाहता है तो आप नहीं करेंगे, आपके अंदर एटीट्यूड थोड़ा है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने वाणी पर संयम करके अपने से बड़ों का कहना माने, उनके बातों को समझें, क्योंकि हर जगह पर आप जिद करते हैं। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप सिंह राशि के हैं, आप शेर की तरह होते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड होता है वो ठीक है, लेकिन अपने माता पिता की बात मानना आपका फर्ज है। ये गलती आज से आपको सुधार लेना है। कभी कभी आप अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, फिर आप लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं, अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं, जिस कारण आप लोगों को कभी कभी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। ऐसे में आप लोगों को वाणी पर थोड़ा संयम रखना है। वाणी पर अगर संयम रख लोगे तो 5 दिनों के अंदर कुछ बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी आपके घर पर आएगा वो आपको लाभ देकर जाने वाला है। स्वयं बालाजी आपके घर पर कोई ना कोई सहारा लेकर ही आएंगे। इसीलिए वाणी पर संयम रखना इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वाणी पर कंट्रोल रखें, किसी को बुरा ना कहें, किसी के बुराई ना करें। आने वाले 5 दिन फिर आपके राशि पर बहुत भयंकर लाभ होकर रहेगा सिंह राशि वालों। उसी के साथ साथ माता लक्ष्मी का वास आपके राशि पर 5 दिनों के लिए बहुत अच्छा बनने वाला है। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पर आने वाली है। ऐसे में साफ सफाई का आप अपने घर पर ध्यान रखें, साफ सफाई अच्छे से करके रखें। कहीं पर जाला आपके घर पर मकड़ी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का सबसे अगर बड़ा कोई दुश्मन है वो है मकड़ी का जाला। ये बहुत ही निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करता है आपके घर पर। ये आपके घर पर माता लक्ष्मी को रुकने नहीं देता है, टिकने नहीं देता है। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है। मकड़ी के जालों को आप लोगों को तुरंत हटा देना है अपने घर से। साफ सफाई अगर आप लोग हर दिन रखते हैं, मकड़ी का जाला आपके घर पर नहीं लगता है। उसके साथ साथ आप लोग थोड़ा सा झाड़ू पर कंट्रोल कर लें। झाड़ू यानी कि संध्या के टाइम पर झाड़ू ना लगाएं, संध्या के टाइम पर भोजन ना करें,
अगर माता लक्ष्मी से आपको दिक्कत है, पैसा आपके घर पर नहीं टिक रहा, तो संध्या के बेला में आप भोजन ना करें, झाड़ू ना लगाएं, और आप लोगों को थोड़ा सा एक उपाय कर देना है कि जब भी आप झाड़ू लगाएं तो झाड़ू को एकांत जगह पर रख दें, जहां पर आपका आना जाना ज्यादा ना हो, लोगों की नजर बार बार झाड़ू पर ना पड़े। ये उपाय आप लोगों को करना है, फिर देखना 5 दिन के अंदर ही आप लोगों को लाभ देकर जाएंगे स्वयं बालाजी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके राशि पर स्वयं बनकर रहेगी। देखो सबसे अगर खास मित्र माता लक्ष्मी का है वो झाड़ू है, क्योंकि झाड़ू साफ सफाई का प्रतीक है और साफ सफाई माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। ऐसे में झाड़ू को एकांत जगह में रखें, और कहीं कहीं पर तो झाड़ू को ढक कर रखा जाता है। झाड़ू को ढक कर रखने से माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। जितने भी बड़े घर के लोग होते हैं वो नियमों को बहुत ही फॉलो करते हैं और बहुत ही श्रद्धा से भक्ति भाव से पूजा करते हैं और हर चीज को बारीकी से समझते हैं, ज्योतिष शास्त्र को बहुत ही बारीकी से नियमों का पालन करते हैं, और यही कारण है उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है, माता लक्ष्मी उनसे नाखुश नहीं होती हैं। और अगर आप ये काम करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर पर भी प्रसन्न रहेंगी हमेशा के लिए। घर पर जाला ना लगने दें और झाड़ू को एकांत जगह पर रखें, पैर तले झाड़ू नहीं आना चाहिए, पैर से झाड़ू को इधर उधर ना बढ़ाएं। ये काम अगर आपके घर पर नहीं होता है तो आपके घर पर आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वास 5 दिनों के अंदर कुछ भयंकर बनने वाला है। ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधानी बरत लेना है। पैसा आपके घर पर बहुत तेजी से आएगा, उसी तेजी से आपके घर पर खर्चा भी आएगा। आप अपने खर्चे को अब कंट्रोल करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास अब आपके घर पर बनने वाला है। अब माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होने वाली है। ऐसे में आप लोगों को सावधानी बरत लेना है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा और साफ सफाई आपके घर पर आपके जीवन के संकटों को मुक्त करा सकती है। रुपया पैसा खूब आएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी अगर प्रसन्न हो गई तो आपके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। अब मित्रों हम बात करेंगे कि सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आसानी से सफलता क्यों नहीं मिलती। आखिर आप लोग इतने दयालु होते हैं, लोगों की मदद बहुत ही करते हैं। जिस व्यक्ति की आप मदद कर देते हैं वही व्यक्ति आपको धोखा क्यों देकर चला जाता है। आप लोगों की मदद बहुत ही अच्छे से कर देते हैं, आप लोगों को बहुत ही मानते हैं, लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन वही व्यक्ति आपको नीचे दिखाने का प्रयास क्यों करते हैं, आपके ऊपर क्यों बुरी नजर डालते हैं, आपके जीवन में क्यों संकट डालते हैं, क्यों परेशानियां डालते हैं। आप जिनकी मदद कर देते हैं वही व्यक्ति आपके जीवन में क्यों संकट डाल रहे हैं। आप उन लोगों को मदद करके आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन बाद में वही व्यक्ति आपको भूल जाते हैं और फिर आपकी मदद नहीं करते हैं। आप जब मदद मांगने जाते हैं फिर वो लोग बहाना बता देते हैं, फिर आपके मौके पर वो लोग खड़े नहीं होते हैं। ऐसे में मित्रों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपकी राशि सिंह है। सिंह मतलब शेर होता है, और शेर को देखा होगा आप लोगों ने, अकेले अपने शिकार को करने जाता है, कोई भी सहारा नहीं लेता है, क्योंकि वह व्यक्ति जानता है, शेर जानता है कि हम अगर किसी का सहारा लेंगे तो हमारा शिकार छूट जाएगा। और यही कारण है जंगल का राजा शेर इसीलिए शेर कहलाता है, क्योंकि अपने शिकार को स्वयं के दम पर करता है और स्वयं अपने शिकार को हासिल भी करता है, अपने शिकार को कभी खाली नहीं जाने देता है। अगर शिकार कर रहा है शेर तो उसे हासिल अवश्य करेगा, क्योंकि संपूर्ण फोकस के साथ अपने शिकार को करता है,
क्योंकि उसे पता है इस शिकार को हमें अकेले दम पर ही करना है, अकेले दम पर ही इसे हमें पकड़ना है। और यही कारण है शेर अपने काम में कामयाबी पाता है, अपने शिकार को हासिल कर लेता है। अगर वह भी किसी के सहारा ले, किसी का इंतजार करे, तो वो भी शिकार नहीं कर पाएगा। यही आप लोगों की जिंदगी में है। आप अगर सिंह राशि के व्यक्ति हैं, आप अगर किसी के सहारे में बैठे हैं, किसी के इंतजार में बैठे हुए हैं, और आप सोच रहे हैं हमें कोई सपोर्ट करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम कोई काम करेंगे, तो आप ये गलती मत करना। आप सिंह राशि के एक तो हैं, आपको कोई भी व्यक्ति मदद नहीं देगा, आपके कामों में कोई भी सहारा नहीं देगा। आपको स्वयं के दम पर मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं के दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको साथ कोई भी नहीं देगा मौके पर, यह मैं खुलकर बोल रहा हूं, और ये बातें आप हमारी स्टाम्प पेपर पर लिख लो। आप लोगों को स्वयं के दम पर मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं के दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, आसानी से सफलता कभी कभी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि जो है वो सिंह है। और कभी कभी आप मेहनत भी करते हैं, अकेले दम पर मेहनत करते हैं, उसके बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती। उसका क्या कारण है कि आपको सफलता क्यों नहीं मिलता है? तो आपका राशि सिंह हो गया, आप एटीट्यूड वाले व्यक्ति हो गए। आप कोई छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं करेंगे, नौकरी जहां पर करेंगे, जहां पर आपको मान सम्मान इज्जत मिलेगी, उस जगह पर आप नौकरी करेंगे। उसी के साथ साथ आप किसी की डांट फटकार सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो चाहे आपका घर का हो या फिर बाहर का हो। आप किसी के दबाव में रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। नौकरी जहां पर करते हैं तो जहां पर आपको मान सम्मान इज्जत मिलती है, उसी के साथ साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, मेहनत करने के बाद अगर आपको सफलता नहीं मिल रहा, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका जो राशि का तत्व है, सिंह राशि का जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व आपको थोड़ा सा तड़पाता है, अग्नि तत्व चाहता है आप अग्नि की तरह तड़पें, अग्नि की तरह जलें, अग्नि की तरह आप मेहनत करें, तब जाकर आपको सफलता अग्नि तत्व देता है। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अग्नि तत्व जो है ये आपके राशि का तत्व है, ये तत्व जो है आपको परेशानी ज्यादा देता है। यह चाहता है कि आप अग्नि की तरह तड़पे, अग्नि की तरह मेहनत करें, उसके बाद आप लोगों को सफलता मिले। इसीलिए मित्रों आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आपको मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको अग्नि तत्व आपका परेशान कर रहा है। अग्नि तत्व चाह रहा है आप अग्नि की तरह तड़पें, अग्नि की तरह मेहनत करें। लेकिन मित्रों आपको टेंशन नहीं लेना है, अग्नि तत्व जिस तरह आपको सताएगा, जिस तरह आपसे मेहनत कराएगा, उसी तरह आपको सफलता भी बहुत बड़ी देगा। क्योंकि जैसे ही अग्नि तत्व आपको छोड़ेगा, अग्नि तत्व संतुष्ट हो जाएगा, आप चले जाएंगे सूर्य के कक्षा में। सूर्य कौन है? जिस तरह आपका राशि सिंह है और सिंह राशि का तत्व जो है अग्नि है, उसी तरह आपके राशि के जो मालिक है वो है सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान जैसे ही आपके राशि पर पहुंचेंगे, तैसे ही आपको इतना बड़ा लाभ देंगे कि आप अपने अपने एरिया में सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर बनेंगे। अगर आप जो काम करते हैं उस क्षेत्र में सबसे बड़े आप बनकर जाएंगे, क्योंकि आपका राशि सिंह है और सूर्य भगवान जिस राशि के रक्षक हो, जिस राशि के स्वामी सूर्य भगवान हो, उन व्यक्तियों को ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा टेंशन आप लोगों को नहीं लेना होता है, क्योंकि सूर्य भगवान आपके राशि के मालिक हैं, आपके राशि के रक्षक हैं। आपके घर के सदस्य मान लो सूर्य भगवान को, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य भगवान आपके राशि पर इसलिए रहते हैं कि आप लोगों को अगर कोई परेशानी आए आपको तुरंत संवार ले। और आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ऊपर लोग
जलते बहुत हैं, आपसे लोग बहुत जलते हैं और आपको नीचे दिखाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपसे बहुत लोग जलकर आपको परेशान करना चाहते हैं और आपके घर के पड़ोसी जो आपको परेशानी देना चाहते हैं, आपके खास मित्र कभी कभी आपको नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, आपका खास रिश्तेदार जो आपसे जलता है वो भी आपको नीचे गिराने का प्रयास करता है। लेकिन क्या आज तक आपको कोई नीचे दिखा पाया, नीचे गिरा पाया, आपके एटीट्यूड को कम कर पाया? नहीं कम कर पाया होगा, क्योंकि आपके राशि के जो रक्षक हैं, आपके राशि के जो मालिक हैं, वो सूर्य भगवान है। और सूर्य भगवान जिस राशि के रक्षक होंगे, जिस राशि के मालिक होंगे, जिस घर के सदस्य होंगे, उस घर की बेइज्जती कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए मित्रों, आपके चाहे जितने बड़े दुश्मन हो, चाहे जितने जलने वाले हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको नीचे कोई गिरा नहीं सकता, नीचे कोई दिखा नहीं सकता, क्योंकि आपके घर के मालिक, आपके घर के सदस्य जो हैं, वो सूर्य भगवान है। और सूर्य भगवान आपको नीचे गिरने नहीं देंगे, आपको कोई नीचे नीचा नहीं दिखा सकता, चाहे जितना प्रयास कर लें। आपके सदस्य जो हैं, आपके घर के, वो सूर्य भगवान है। और सूर्य भगवान चाहेंगे ही नहीं कि अपने घर की बेइज्जती हो, और वो आपकी बेइज्जती नहीं होने देंगे, आपको नीचे गिरने नहीं देंगे। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने मेहनत किया है तो आपको सफलता भी बहुत बड़ी देंगे। जब भी आपको सफलता देंगे तो बहुत बड़ी सफलता देंगे। आप अपने बिजनेस में सबसे बड़े बिजनेसमैन बनेंगे अगर आप बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको जब नौकरी मिलेगी तो सबसे बड़ी नौकरी आपको मिलेगी, सबसे बड़े अधिकारी आप लोग बनकर लौटेंगे। जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल में आप सबसे बड़े अधिकारी बनकर लौटेंगे। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने एरिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान आपको जब सफलता देंगे, जब लाभ देंगे, तो छोटा मोटा लाभ नहीं देंगे मित्रों, जब भी देंगे तो बहुत बड़ा लाभ देंगे। इसीलिए आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बल्कि आपको अच्छे से काम करने की जरूरत है। जब आप काम करेंगे तो लाभ भी बहुत भयंकर होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। आप लोगों को मेहनत करना होता है। अग्नि तत्व जो है आपका, ये सिर्फ संतुष्ट हो जाए सिर्फ, और फिर देखना आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा। आप किसी के अंडर में ना रहें, बिल्कुल अच्छा है आप अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़े हों। सबसे अच्छे सिंह राशि के व्यक्ति होते हैं, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं। ये किसी की लड़ाई झगड़ा या फिर किसी के ज्यादा बेफालतू के चक्करों में नहीं पड़ते हैं, ये अपने काम से काम रखते हैं और अपने लाइफ के प्रति बहुत ही सीरियस रहते हैं। इसीलिए अगर आप सिंह राशि वाले व्यक्तियों से शादी करने वाले होते हैं तो आप बहुत ही जल्दी करिएगा, क्योंकि सिंह राशि के व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं। आपके कामों में, आपके बिजनेस में बहुत अच्छा साथ निभाएंगे और बहुत समझदार भी होते हैं सिंह राशि वाले व्यक्ति। इसीलिए अगर आपको मौका मिलता है तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों से शादी अवश्य करिएगा। उसी के साथ साथ मित्रों, आप लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं, आप किसी के ऊपर विश्वास कर देते हैं, विश्वास कर लेते हैं, उसके विश्वास पर आपका कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत भयंकर धोखा मिलता है। और अब आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है। आप अपने बिल्कुल खास वाले पर विश्वास करें, जिसको आपको विश्वास हो कि यह व्यक्ति आपको समझेगा और आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा, उसी पर विश्वास करिएगा। और हर किसी व्यक्ति पर विश्वास करना आप लोगों के लिए जायज है, और विश्वास करेंगे तो आप लोगों को धोखा मिलेगा। उसी के साथ साथ अब अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा खासा लाभ होने वाला है। बिजनेस में बहुत भयंकर लाभ होगा, बिजनेस बहुत तेजी से चलेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक रिसर्च करने के मुताबिक यह बताया गया, अगर आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं,
जिस लाइन में बिजनेस करना चाहते हैं, जिस लाइन में आप काम करना चाहते हैं, उस लाइन की सबसे पहले आप रिसर्च अवश्य करना। अगर कोई काम रिसर्च करके करते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा लाभ होगा। बिना रिसर्च किए कोई भी काम नहीं करना, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा, फंस जाएगा। अपने से बड़े एक्सपर्टों से सलाह अवश्य लेना। जो आपसे बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे सलाह अवश्य लेना कि इस लाइन में हम पैसा लगाएं तो प्रॉफिट होगा या फिर नहीं। रिसर्च करके अगर आप लोग कोई काम करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होने के चांस है, बहुत भयंकर लाभ होगा और लाभ होकर रहेगा। इसीलिए मित्रों, रिसर्च करने के बाद आप लोग अगर काम करेंगे तो आप लोगों को लाभ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी के साथ साथ जो जातक सिंह राशि के हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाई में पैसा लगाएं या फिर ना लगाएं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अपने पढ़ाई को सीरियस लें, पढ़ाई करके आप आगे चलकर अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, आपको सारी परेशानियों का निवारण मिल सकता है। तो आप लोगों को ज्यादा सोच विचार में नहीं पड़ना है, बल्कि आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं, जिस लाइन की पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च करके ही पढ़ाई में इंटरफेयर करिएगा, नहीं तो आपके जीवन में थोड़ा सा आप लोगों को संकट मिल सकता है। आप जिस क्षेत्र में, जिस पढ़ाई में आप एक्सपर्ट हैं, उसी लाइन में जाइएगा, बिना सोचे समझे मत जाइएगा, नहीं तो आपको बाद में परेशानी होगा, फिर आपका मन नहीं करेगा, फिर आपका पैसा फंस जाएगा। इसीलिए रिसर्च करके कोई काम करोगे तो लाभ होने के चांस अत्यधिक है, लाभ होगा अवश्य। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी अवश्य। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं जो आपकी सफलता को रोक दे, चाहे जितने आपके दुश्मन हो, चाहे जितने आपकी टांग खींचने वाले हों, चाहे जितने हो, क्योंकि आपके राशि के सबसे ऊपर जो सबसे लास्ट वाले मालिक है वो सूर्य भगवान है। परेशानियां हालांकि आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन मित्रों सफलता भी बहुत बड़ी मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा मित्रों।